नमस्कार दोस्तों, इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 24 अगस्त दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और आज आपको आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा और आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय गणपति महाराज जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करिए। बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 24 अगस्त 2022, दिन बुधवार। आज की तिथि है द्वादशी। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:55 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:52 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:31 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। अगर दोस्तों आपको कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 5:08 से शाम 6:03 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में। किसी सम्मेलन अथवा समारोह में भी जाने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करिए और आप कोई गलती ना करें। दोस्तों, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। के साथ ही दोस्तों, जीवन में चल रही परेशानियाँ वक्त आने पर टल जाएंगी। और दोस्तों, आपको निराश होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आने वाला समय अनुकूल है। ग्रह ये इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता आपके लिए हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप मंदिर जा सकते हैं, दान दक्षिणा भी आदि आपके हाथों से भी हो सकता है। और दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ज्ञान परिपूर्ण मिलेगा, लेकिन आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज समय है आपको अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने का। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, इसलिए आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, किसी कार्य को आप करने के लिए अगर ठान चुके हैं, तो दोस्तों विचार अगर कर चुके हैं तो आपको हर हाल में वो काम पूरी तरह से करना ही करना होगा कि आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, दूसरे के मामले में आपको हस्तक्षेप करना कोई कानूनी कार्रवाई करवा सकता है, इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान के बीच में संतुलन रखना बेहद ही ज़रूरी है तथा काफ़ी सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य होंगी, जिनका आपका संपर्क थोड़ा लेना मुश्किल होगा। ज़्यादा तनाव ना पालें, बैठ करके आप अच्छे ढंग से निर्णय लेने के बाद ही अपने कार्य को करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि किसी भी प्रकार के बहाने आपको नहीं बनाने हैं। जो भी काम आपको मिला है उसको आपको करना ही कहें, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति बहाने बनाते हैं वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दोस्तों, आपके इन दिनों बता दें कि आने वाले 24 घंटे में काफ़ी समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी सफलताएं आपके हाथ लगने वाली हैं। दोस्तों, आगे बताते हैं कि आर्थिक बजट को आपको सुचारू रूप से चले रहना होगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, ऐसी कोई बात लोगों के सामने आ सकती है जिसे आपने लोगों से छुपा कर रखा हुआ था। मनी मन आप स्वस्थ रहने वाले हैं व दूसरों की बातों की ओर ध्यान मत दीजिए। परिवार के सदस्य भी आपके पक्ष में रहने वाले हैं और वे आपकी बातों से प्रसन्न होंगे। उनकी बातों को समझ करके आप उसका चिंतन जरूर करें।
रुका हुआ काम पूरा हो सकता है जिसकी आपको काफी टाइम से कल्पना भी थी। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत भरा काम सौंपा जा सकता है जिसे आप समय रहते पूरा करने में काफी हद तक सफल होंगे। पेट संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए आपको अपने खान पीन की आदतों में बदलाव लाना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा दिन चल रहा है जो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में भी धन कमाने के लिए अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की आपको सहायता लेनी होगी। किसी वाहन को खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होने वाली है और परिवार के सदस्य प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों आपके कुछ विरोधी आपके बंधे हुए कामों में अड़चन डालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के प्यार में डूबे हुए ना रहें, अपने पारिवारिक जीवन पर भी थोड़ा समय व्यतीत करें दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आपका दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए व्यवसाय को साझेदारी में कर सकते हैं और आप अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आज कुछ आप धन व्यय कर सकते हैं जो आपको मानसिक सुख की प्राप्ति दिलाएगा और आपका दिन यादगार बना देगा। इसके साथ ही दोस्तों किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, छोटी सी गलती से बहुत अधिक धन की हानि हो सकती है। दोस्तों इन गतिविधियों को आज आपको स्थगित रखना अच्छा रहेगा। कार्य संपर्क किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि आप सभी काम अपनी निगरानी में करवाएं। ऑफिस का माहौल भी कुछ अस्त व्यस्त रह सकता है। सहयोगी के साथ में कुछ मन मुटाव भी हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। रिश्तेदारों की आवाजाही रह सकती है। कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुनिए। आपको अवश्य ही अच्छी सोच विचार की क्षमता प्रदान होगी। आपकी लापरवाही की वजह से दोस्तों रुपए पैसे संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। उनके सहयोग और आशीर्वाद से आपको सभी व्यवस्था उचित बनी रहनी पड़ेगी। मशीनरी और लोहे से संबंधित बिजनेस में फायदेमंद उपलब्धियां हासिल होंगी। आपको अपने कार्य करने की रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ऑफिस में काम कम होने की वजह से राहत महसूस हो सकती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।